हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल आर प्रोडक्ट सॉल्यूशन में। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रक्त की कमी कैसे बढ़ाएं, अपने शरीर पर अगर पीलिया की शिकायत हो जाती है तो इसे ठीक करने के लिए कौन सा उपाय करें जो जल्द से जल्द ठीक हो सकता है। क्योंकि अगर पीलिया की शिकायत आपके शरीर पर शुरुआती दौर पर होती है तो इस सिरप से आप ठीक कर सकते हैं, जिस सिरप के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि एक ही सिरप है, इसकी खासियत अनेकों देखने को मिलते हैं। आपके शरीर में खून की कमी हो, एनीमिया जैसे रोग हों, पीलिया जैसे रोग हों, आयरन की कमी हो, फॉलिक एसिड की कमी हो, ऐसे तमाम सिचुएशनों में आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं, इससे बेनिफिट ले भी सकते हैं। जैसा कि दोस्तों बात किया जाए, अगर आपके शरीर में खून की कमी हो रही है, ज़्यादा मात्रा से खून की कमी नहीं है, तो आप जल्द से जल्द इस सिरप को पीकर बढ़ा सकते हैं, जिसका नाम है चेरी सिरप। चेरी सिरप में एक ऐसी खास मात्राएं देखने को मिलती हैं, इससे कई लाभ देखने को मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके शरीर में जब भूख नहीं लगती, आपको भूख नहीं लगती, आपका शरीर का वेट नहीं बढ़ता, तो ऐसे सिचुएशन में अगर चेरी सिरप को लेंगे तो आपका भूख भी बढ़ने लगेगा, आपके शरीर में भूख भी लगेगी, आपका शरीर मोटापन भी होगा, आपके शरीर में आयरन की जो कमियाँ होती हैं वो भी दूर हो जाएंगी। क्योंकि जब आयरन की कमियां होती तो तमाम बीमारियों से बिगड़ जाते हैं। आयरन की कमियों से कई रोग देखा जाता है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि आपके शरीर में जब विटामिन्स की कमी हो जाती है, इससे भी परेशानियां देखने को मिलती है। जैसा कि दोस्तों इसमें विटामिन B12 भी मिलाया गया, जिससे अच्छी तरीके से आपके शरीर पर ग्रोथ देखने को मिलता है। तो बात किया जाए, आपको इस सिरप से इतने फायदे देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। यह चेरी सिरप 120 रुपये तक आता है और अत्यंत लाभकारी सिरप भी माना जाता है। बहुत से लोग इसे कहते हैं खून की मशीन भी कहते हैं, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से रक्त बढ़ाने का काम करता है, इतने जल्दी से रक्त बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए इसे खून की मशीन भी कुछ लोग कहते हैं। तो आपको इसमें कई कई बार होता है, जब आपके शरीर में आयरन की कमी होती तो हड्डियों में भी दर्द उठना चालू हो जाता है, पीलिया हो जाती, तो आपके शरीर पूरी तरह पीलापन आने लगता है, आँखों में पीलापन आने लगता है। ऐसे सिचुएशन में जब कम मात्रा में देखी जाती है तो आप इस सिरप के सेवन से जल्द अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, अपने भूख को बढ़ा सकते हैं, अपने खून और रक्त को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका शरीर पूरी तरह हेल्थफुल बना रहेगा, अत्यंत बलशाली बने रहेंगे, आपका शरीर का वेट नहीं बढ़ रहा तो आपके शरीर का वेट बढ़ने लगेगा। इसे सेवन करने की सही जानकारी भी होना चाहिए, अगर सही जानकारी रहेगी तभी आपके शरीर पर अच्छी तरीके से इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि दोस्तों अगर 18 वर्ष से 20, 22, 25 वर्ष तक के लोगों को इसे पीना चाहते हैं तो 10 ml सुबह में, 10 ml शाम में कर पीना चाहिए और भोजन करने के बाद, और बच्चों को पिलाना चाहते हैं तो इसे 5 ml सुबह में, 5 ml शाम में पिलाना चाहिए। 5 साल से 10 साल तक बच्चों को ऐसे करके डोज पिलाना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का साइड इफेक्ट भी नहीं देखने को मिलता, जिससे आपके शरीर पर किसी प्रकार के दाने धब्बे भी नहीं निकलते। ऐसे सिचुएशन में आपके शरीर पे अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है और अच्छे लाभ भी देखने को मिलता है, जिससे आपका शरीर भी हेल्थफुल बना रहेगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे अच्छी अच्छी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे हमारे यूट्यूब।